अच्छा ब्लैक कॉफी तो बना दो जानू। सो ही जाता हूँ भाई, ऐसी नींदें कहाँ नसीब होंगी मुझे फिर। सबा तुम्हें नहीं पता कल रात क्या चवल मारी है मैंने। मैंने उस चाय पीने वाली मशीन को डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। भाई तू मान ना मान, मैं कोई अखीर बोंगी हूँ। कुछ भी कहे मुकरने नहीं दूंगा। आप कोई ड्रोन कैमरा है क्या जो हमेशा आसपास घूमते रहते हैं? कल रात से सो नहीं पाया हूँ मैं। चाय का ओवरडोज हो गया होगा। नहीं, किसी के एक जुमले की वजह से मेरी रात की नींद उड़ गई है। यार आप तो बड़े इजी लोड निकले, एक जुमले पे ही ढेर हो गए। आपने जो लोड मेरे दिमाग में कर दिया ना, वो इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। पर मैं निकल ली हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे रुके तो, चाय तो पिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैंने अभी कॉफी पी है मुझे। प्लीज पिए ना, मैंने बात करनी जरूरी है। मुझे सच में घर जाना है। रिक्वेस्ट करो ना, आ जाए प्लीज। आए ना, आए। ओके रूमी उठो। रूमी पराठा बनाओ मेरे लिए, भूख लग रही है। क्या है? पराठा। इतनी सुबह? 7 बज रहे हैं यार, 8:30 बजे क्लास है हमारी। ओह नो, आज तो प्रोफेसर मुजाहिद की क्लास है। अरे छोड़ो प्रोफेसर मुजाहिद को, जाके किचन में जिहाद करो। लेकिन स्वीटू मैं पराठा कैसे बनाऊंगी? आटे से, मैं कल लाया हूँ ग्रोसरी में। दफर, आटा तो मैंने कभी गूंदा ही नहीं। मैडम आप इतने टाइम से मुझे जो गूंद रही हैं। यार यूट्यूब खोल लो, ट्यूटोरियल मिल जाएगा। पराठे के बगैर मैं हिल नहीं रहा यहाँ से। स्वीटू? कोई स्वीटू वीटू नहीं। रूमी चलो उठ जाओ। उसी बात है, एक तो भूख लग रही है, पर से स्वीटू। अच्छा और पराठा कड़क प्लीज। जला कर दूंगी। गुड मॉर्निंग राजिया, मेरा मतलब है रजिया। आपको देसी घी की चूरी बनानी आती है? साहब बनाई तो नहीं है कभी। चले बना लीजिएगा। देसी घी की चूरी खानी है ना, तो अपने घर चले जाओ सफू चाची के पास। अरे घर जाने की क्या जरूरत है, मैं फोन पर रेसिपी पूछ के बता दूंगा। रेसिपी तो तुम पूछ लोगे, लेकिन वो मोहब्बत कहाँ से लाओगे जो वो चूरी में गूंद कर खिलाती थी घर के सारे बच्चों को। रजिया मुझे भी चाय दे दें आप, मैं पूल साइड पर हूँ। जी मैं बना देती हूँ। मुझे चाय दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। ये ले सफू भाभी चाय। अरे वहीं रख दो। आपको क्या हो गया? अरे नाज ऐसे हॉल उठ रहे हैं खाली खाली घर को देखकर। हर वैसे सच कह रही हैं। छोटू की तो बात समझ में आती है, ये नैनदारों को क्या सूझी? अरे बाबू भैया बता रहे थे वो बहुत परेशान थी तारा फेल होने पर। मुझसे ज्यादा क्या परेशान हो सकती है, इतना शानदार सैलून छोड़ना पड़ा था मुझे। अरे छोड़ो अब तुम भी, मुझे तो लगता है नजर ही लग गई हमारे घर को किसी हासिद की। सही कह रही है, मैं तो कहती हूँ नजर लगती है। हाँ तो तुम कोई तोड़ भी तो कुछ ढूंढो ना। मैं कोई वजीफा ढूंढती हूँ इसके लिए। हाँ करो जल्दी। अच्छा आप परेशान ना हो ना, आ जाएंगे बच्चे वापस।